स्थितियाँ दिखाई देती हैं और कौन किस पर भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है? यह रीवा की स्थितियाँ अच्छी हैं, यहाँ पर राजेंद्र शुक्ला की जीतने की उम्मीद है। और राजेंद्र शर्मा जी की अगर बात करें तो कितनी टक्कर दे रहे हैं या फिर वो मैदान से बाहर दिखाई देते हैं? अब ये तो मैं नहीं जानता हूँ, पर इतना सभी लोग के बताए के अनुसार मैं भी जान रहा हूँ कि चुनावों में छात्र राजनीति में भी कुछ ऐसा ही मामला दिखाई देता है कि 5 वर्ष में जब चुनाव आते हैं तब थोड़ा सा सक्रियता आती है और छात्र संघ के चुनाव करा दिए जाते हैं। पूरा देश वापस और छात्र संघ का चुनाव तो हुआ ही नहीं है वापस। इस बार तो हुआ नहीं, लेकिन पिछली बार चुनाव से पूर्व 2018 में किए गए थे, तो क्या ये रेगुलर तौर पर होना चाहिए या फिर नहीं होना है तो पूरी तरीके से बंद होना? हाँ ऐसा जी, वो बेहतर दिखाई दे रहे हैं और उनकी स्थिति काफी मजबूत है, वही जीते। इसमें क्या होता था, जो बच्चे अब जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो गई है। मतलब उसको 3 साल का ही होना चाहिए, तो या तो सरकार बदल जाए या शिक्षा नीति में परिवर्तन होना चाहिए। बाकी सारी मतलब नई शिक्षा नीति अच्छी है, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे कि उनसे पूछा हूँ तो बोल रहे हैं कि सरकार बदलनी है, युवा कांग्रेस खुलाना है और बहुत सारे कर्मचारी लोग हैं तो उनको पेंशन की ज़रूरत है, पेंशन चाहिए, पेंशन नहीं मिल रही है, इसीलिए तो ओल्ड पेंशन योजना जो है एक बड़ा मुद्दा कह सकते हैं मध्य प्रदेश में। सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छा, मतलब ही नहीं कोई मेरा, मुझे सिर्फ इतना पता है कि शिक्षा के बारे में अगर आप कुछ सवाल हमसे पूछते हैं तो उसका जवाब आपको दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं हम रीवा जिले की रीवा विधानसभा सीट में और ये जो जगह है ये जगह है विवेकानंद पार्क के पास स्थित ओपन जिम, और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं और हम उनसे रीवा विधानसभा की स्थितियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ रीवा में क्या माहौल है। जैसा कि यहाँ पर कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का एक गढ़ के तौर पर ये रहा है, और बात करें कि यहाँ पर लगातार 4 बार से राजेंद्र शुक्ला जी विधायक चुने जाते रहे हैं, साथ ही साथ इस बार राजेंद्र की लड़ाई रीवा में दिखाई दे रही है। हम कहना यह चाह रहे हैं कि रीवा में कांग्रेस से राजेंद्र शर्मा जी उम्मीदवार हैं तो रीवा में बीजेपी से राजेंद्र शुक्ला जी उम्मीदवार हैं। अब इन दोनों उम्मीदवारों में कौन ताकतवर दिखाई दे रहा है और किसके मत्थे हार का सामना करना पड़ेगा, इन सारी चीजों की हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं आदित्य सोनी, रीवा से जी। आपका नाम? हिमांशु सराफ। जो रीवा की राजनीतिक सियासत है, पिछले 4 बार से लगातार यहाँ पर राजेंद्र शुक्ला जी विधायक है और इस बार उनके सामने राजेंद्र शर्मा जी हैं, तो क्या स्थितियाँ दिखाई देती हैं? स्थिति तो राजेंद्र शुक्ला की मजबूत दिख रही है, क्योंकि उन्होंने काम भी किया है, डेफिनेटली जो है बीजेपी को ही वोट जाना चाहिए क्योंकि बीजेपी का काम अच्छा रहा। आपका क्या कहना है? मेरा भी यही मानना है कि बीजेपी का ही काम ज़्यादा बेटर रहा है लास्ट 4 ईयर से, और इस समय भी बीजेपी ही मुझे को मजबूत दिख रही है। जब हम राजेंद्र शर्मा और राजेंद्र शुक्ला दोनों की एक तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि जो रीवा का एक पहला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिसको मान सकते हैं शिल्पी प्लाजा, तो राजेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में बनाया गया। उसके बाद रीवा का जो भी विकास हुआ, चाहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात हो, चाहे यहाँ की सड़कों की बात हो, चाहे यहाँ के हॉस्पिटल्स की बात हो, वो सारे के सारे जो थे राजेंद्र शुक्ला जी के नेतृत्व में बनाए गए। तो दोनों के नेतृत्व पर अगर हम देखते हैं तुलनात्मक तौर पर, तो किसको कितना बेहतर मानते हैं और उसी नेतृत्व के दम पर कौन आज चुनाव में कहाँ खड़ा दिखाई देता है? राजेंद्र शुक्ला जी वो बेहतर दिखाई दे रहे हैं और उनकी स्थिति काफी मजबूत है, वही जीतेंगे। रीवा में बहुजन समाज पार्टी से मधुमा सोनी जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी कैसी स्थिति देख रहे हैं आप? वो तो अभी बहुत पीछे हैं हमारी समझ से, उनका तो अभी तीसरा चौथा नंबर आएगा जी। और रीवा में जो पूर्व में चुनाव हुआ था महापौर का, उसमें कांग्रेस के अजय मिश्रा बाबा ने जीत हासिल की थी और वह विधानसभा चुनावों के नजरिए से भी एक अहम जीत मानी जा रही थी, क्या उस जीत का इस चुनाव में भी कोई असर दिखाई दे रहा है या फिर वो अलग मामला था? ये अलग मामला ये तो नहीं लगता, मुझे लगता है अलग ही है, उससे अलग ही मुझे लग रहा है जी। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज कुमार सोनकर।
आप भी रीवा के स्थानीय निवासी हैं? नहीं, इसी जिले का हूँ। तो रीवा में जैसे आप रह रहे हैं, तो रीवा में क्या स्थितियाँ दिखाई देती हैं और कौन किस पर भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है? यह रीवा की स्थिति अच्छी है, यहाँ पर राजेंद्र शुक्ला की जितनी की उम्मीद है। और राजेंद्र शर्मा जी की अगर बात करें तो कितनी टक्कर दे रहे हैं या फिर वो मैदान से बाहर दिखाई देते हैं? अब ये तो मैं नहीं जानता हूँ, पर इतना सभी लोग के बताए के अनुसार मैं भी जान रहा हूँ कि जैसे आप एक युवा हैं, शायद कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होंगे या फिर स्टडी कर रहे होंगे, किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपके बहुत सारे साथी होंगे, आपस में युवाओं की बात भी होती होगी कि किसे चुनना चाहिए, कौन युवाओं के लिए बेहतर है। तो अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो नो डाउट जो जैसे कि अभी हमें बातचीत में पता चला, यहाँ डेवलपमेंट तो हुआ है, बट एम्प्लॉयमेंट को लेकर के यहाँ क्या हुआ है, लोगों के रोजगार को लेकर के क्या हुआ है, और जो रोजगार यहाँ पर सृजन किया गया है क्या हुआ है, युवाओं के लिए एक बेसिक डिमांड को पूरी कर रहा है या फिर कम है? नहीं, आप युवा हैं, आपको रोजगार मिला है कि नहीं मिला? हम सीधा सवाल, नहीं मिला है। तो कारण क्या मानते हैं, रोजगार की दिशा में काम कम किया गया? जी, करना चाहिए और करना चाहिए जी। और आपका नाम जानना चाहते हैं? जुमना सोनकर है जी, सिरमौर विधानसभा से, वहाँ मेरा गांव है। अच्छा, तो रीवा में कुछ कार्य कर रहे हैं आप? रीवा में एक सर्विस करता हूँ। तो यहाँ पर रीवा में चूंकि आप रहते हैं, तो रीवा की सियासत से भी कहीं ना कहीं रूबरू होते होंगे, आपको क्या लगता है रीवा की सियासत को लेकर के अगर बात करें, कौन जीतेगा? लोगों के बताने के अनुसार तो नहीं, लोगों के बताने के अनुसार नहीं, आपके बताने के अनुसार कौन जीतेगा? अभी तो कोई नॉलेज नहीं है कौन जीतेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनसे पूछा वो बोल रहे हैं कि सरकार बदलनी है, युवा कांग्रेस खुलाना है, और बहुत सारे कर्मचारी लोग हैं तो उनको पेंशन की ज़रूरत है, पेंशन चाहिए, पेंशन नहीं मिल रही है, इसीलिए तो ओल्ड पेंशन योजना जो है एक बड़ा मुद्दा कह सकते हैं। हाँ, मध्य प्रदेश की सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छा है। और आप सिरमौर से हैं, चूँकि सिरमौर की सियासत का क्या हाल है? अभी तो हम वहाँ पर पता लगाए हैं, तो अभी तो ये भाजपा है और ये कांग्रेस का ज्यादा ताकतवर कौन है, सीधे सीधे बता दीजिए, शर्माइए मत। ताकतवर तो ये कि हमको कांग्रेस लग रही है। हाँ, उधर साइड दो बार से मौजूदा विधायक हैं देवराज सिंह जी, इस बार कमजोर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इस बार कमजोर पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग बदलाव चाहते हैं। अच्छा, बदलाव की बयार सिरमौर में है लेकिन रीवा में नहीं है। और राजनीति को लेकर के, वर्तमान समय के उम्मीदवारों को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे, या युवाओं के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें क्या सुधार होने चाहिए? अब मैं नहीं कहेंगे कि जो सियासत है तो उसमें किसका असर दिखाई देता है और क्यों दिखाई देता है? देखिए, रीवा में जो है तो राजेंद्र शुक्ला जी हैं और पिछले मतलब 18-19 साल से वो यहाँ पे विधायक हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो मध्य प्रदेश की स्थिति में ऐसा हो सकता है कि बदलाव हो, पर रीवा में मुझे ऐसा नहीं लगता कि बदलाव होगा, और ये भी नहीं कह सकता कि नहीं होगा, क्योंकि इस बार टक्कर थोड़ी सी जो है तो बराबर की है, पहले से हम किस नहीं कर सकते। एक सवाल और ये है कि बिंद में लगभग 2-3 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई, उसके बावजूद बिंद में जो है तो एक ही मंत्री भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं बनाया गया, और लगभग 1-1.5 साल पूर्व जो तो यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर गिरीश गौतम जी को जो तो बनाया गया, और फिर उसके बाद चंद महीने पहले राजेंद्र शुक्ला को कैबिनेट मंत्री के पद दिया गया। देखिए, मैं एक छात्र तो क्या जी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, मैं एक छात्र हूँ और इन सियासत संबंध मतलब ही नहीं कोई मेरा, मुझे सिर्फ इतना पता है कि शिक्षा के बारे में अगर आप कुछ सवाल हमसे पूछते हैं तो उसका जवाब आपको दे सकते हैं। जैसे नवीन शिक्षा नीति अपनाई जा रही है, तो ये छात्रों के हित में कितना मानते हैं, और युवाओं को सबसे बड़ी चीज रोजगार की बात है, तो नवीन शिक्षा नीति कितनी रोजगार परक है? देखिए, नवीन शिक्षा नीति में एक सबसे बुरी चीज है वो ये है कि जो नई शिक्षा नीति में मतलब ग्रेजुएशन जो होता था उसको 4 साल का कर दिया गया। तो इसमें क्या होता था, जो बच्चे अब जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो गई, मतलब उसको 3 साल का ही होना चाहिए। तो या तो सरकार बदल जाए या शिक्षा नीति में परिवर्तन होना चाहिए। बाकी सारी मतलब नई शिक्षा नीति अच्छी है, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बहुत सारी दिए गए हैं, सब कुछ उसमें बेहतर, सिर्फ एक चीज़ गड़बड़ है, वो ये है कि जो ग्रेजुएशन 4 साल का कर दिया गया है, और पीजी जो है वो 2 साल से 1 साल का कर दिया गया, और पीजी इंक्लूडेड है। पीजी ऑलमोस्ट बहुत से लोग करते हैं ग्रेजुएशन के बाद, जैसे जिसको पीएससी करना है, यूपीएससी करना है, तो वो उधर जाता ही नहीं है फिर।
सॉरी यूपीएससी वाले जाते हैं, पीएससी वाले नहीं जाते, तो एक साल हम लोग का टाइम इधर बढ़ गया है, या तो फिर आप एज लिमिट बढ़ाओ, यही सारी चीजें। एज लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए, जैसे अग्निवीर शुरू हुआ 4 वर्ष की जॉब के लिए सैनिकों की भर्ती का। देखिए उसके बारे में मुझे कोई अनुभव नहीं है, मैं कुछ बोल नहीं सकता। और मैं आपको बता दूं कि मैं खुद कॉलेज में होता है छात्र संघ होता है NSUI, तो मैं उसका सदस्य हूँ और बस ऐसे ही चल रहा है। लेकिन अगर आप छात्र संघ के वो हैं, एक सदस्य हैं NSUI के, तो निश्चित तौर पर युवा राजनीति से आप जुड़े हुए हैं, तो युवाओं के लिए सरकार कितनी सकारात्मकता दिखा रही है इस बारे में? देखिए सरकार जो है, तो मैं बताया कि शिक्षा नीति है, इसमें बदलाव करना चाहिए। और मध्य प्रदेश का स्थिति जो चल रही है उससे पूरा देश वाकिफ है। आम मान ये नहीं कह सकते कि सरकार अच्छी नहीं है, मतलब कुछ क्षेत्र हैं जिसमें भाजपा सरकार अच्छे काम कर रही है, लेकिन अगर आप रोजगार की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, उसमें बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही। इसलिए अच्छा नहीं कर रही है क्योंकि आज आप देखिए करीब 3-4 साल से मध्य प्रदेश में एक भी भर्ती नहीं हुई है, लगातार घोटाले चल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, है ना। अभी मतलब 2-3 साल पहले गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी आई थी, उसमें तो ये हो गया था कि मतलब बहुत से लोग फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र बनवा के हो गए थे, वो भर्तियाँ रद्द। फिर आपका पटवारी घोटाला हुआ, फिर उसके बाद आपका ये अभी वो आया था कांस्टेबल की पोस्ट आई थी, वैकेंसी आई थी, उसका घोटाला हुआ। तो ये जो कंटिन्यू चल रहा है, मतलब घोटाला गलती एक बार हो सकती है ना यार भाई, लगातार थोड़ी हो सकती है। तो इस चीज़ में कहीं ना कहीं भाजपा को सुधार करना चाहिए, मतलब कि जैसे आप भाजपा को नहीं, सरकार को सुधार करना चाहिए, जो भी वर्तमान सरकार बने। क्योंकि आप देखो जैसे कोई भी छात्र होता है जो बेरोजगार, मतलब गरीब घर का बच्चा, आप सोचो कि 1,500 रुपये लगा के वो फॉर्म डालता है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भाजपा की सरकार में एक जो इनकी नीति है वो बड़ी गंदी है, वो ये है कि आप देखो जैसे कोई भी होना एग्ज़ाम हो जाता है पर उसकी भर्ती नहीं होती, पेपर हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, पंचवर्षीय योजना की तरीके से युवाओं की 5 साल में भी नहीं नियुक्ति होती वो, मतलब और फिर ज्यादा हुआ तो इन्होंने सीधा कर दिया, घोटाला हो गया, घोटाला के बाद पेपर रद्द। इसके बाद मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे आप भर्तियों को लेकर के बात कर रहे हैं, चुनावों में छात्र राजनीति में भी कुछ ऐसा ही मामला दिखाई देता है कि 5 वर्ष में जब चुनाव आते हैं तब थोड़ा सा सक्रियता आती है और छात्र संघ के चुनाव करा दिए जाते हैं, पूरा देश वापस। और छात्र संघ का चुनाव तो हुआ ही नहीं है बहुत दिन, इस बार तो हुआ नहीं, लेकिन पिछली बार चुनाव से पूर्व 2018 में किए गए थे। तो क्या ये रेगुलर तौर पर होना चाहिए या फिर नहीं होना है तो पूरी तरीके से बंद होना चाहिए? हाँ ऐसा होना चाहिए, हालांकि होना चाहिए, कॉलेज में छात्र संघ का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कॉलेज में एक प्रेसिडेंट होता है तो बच्चे होते हैं, अब स्कूल अलग चीज़ होती है, कॉलेज में बच्चे क्या होते हैं, जो नए नए बच्चे आते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे, उनको अगर कोई समस्या होती है तो वो प्राचार्य के पास गए, किसी के पास भी गए तो उनको डांट दिया जाता है कि मतलब हटा दिया जाता है वहाँ से। लेकिन जब एक दल के तौर पे आप जाते हैं, आपका कोई एक नेता होता है, तो प्राचार्य को भी और कॉलेज के जो बाकी प्रोफेसर हैं उनको भी जवाब देना पड़ता है। इसलिए छात्र संघ होना बहुत, मतलब आप कहीं भी चले जाओ, अगर कोई निर्दलीय विधायक का चुनाव लड़ जाए तो उसके जीतने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन अगर कोई किसी पार्टी से लड़े एक ग्रुप के तौर पर जाए तो उसका काम होता है। छात्र संघ का चुनाव होना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे साथ कुछ युवा थे और कुछ लोग थे जिन्होंने रीवा की सियासत को लेकर के बात की, और विशेष तौर पर जो हमारी बात हुई तो युवाओं के हितों को के लिए हुई। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि युवाओं के हितों के लिए कहीं ना कहीं सरकार थोड़ा सा गंभीर नजर नहीं आ रही है, और यही कारण है कि प्रदेश में युवाओं का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार के विपरीत दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है। हम और भी कई सारे लोगों से रूबरू होंगे, उनसे भी सियासत की बात जानने की कोशिश करेंगे। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।